गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉनिफेरॉप्सीडा, उसकी जनरल इंट्रोडक्शन, उसके जनरल फीचर्स, उसके बाद थोड़ा सा पाइनस के बारे में जनरल फीचर्स। तो सबसे पहले कॉनिफेरॉप्सीडा, इट ओरिजिनेटेड अराउंड द प्लांट्स और मेंबर्स ऑफ कॉनिफेरॉप्सीडा, दे ओरिजिनेटेड अराउंड लेट कार्बोनिफेरस पीरियड इन पैलियोजोइक एरा। दे जनरली ग्रो इन कोल्डर रीजन्स, कुछ जो हैं वो सेमी है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, सेंट्रल इंडिया है, इस तरह के रीजन्स में भी मिलते हैं, लेकिन वो ऑर्नामेंटली ग्रो किए गए हैं या फिर कहीं से लाकर फिर ग्रो किए गए हैं। नेचुरली इनका हैबिटेट कोल्डर रीजन होता है, मोस्टली एवरग्रीन होंगे, ब्रांच्ड होंगे, पेरिनियल होंगे, लार्ज ट्रीज होंगे या फिर श्रब्स होंगे। श्रब्स भी अगर होंगे तो वो लार्ज होंगे, स्मॉल साइज ट्रीज, स्मॉल साइज प्लांट्स नहीं होते। और जिम्नोस्पर्म में ये चीज़ पहले ही बता रखी है कि हर्बेशियस हैबिट बिल्कुल ही एब्सेंट होती है, तो लार्ज प्लांट्स होंगे इसमें। लीव्स आर मोस्टली नेडल लाइक या फ्लैट होंगी, पतली होंगी, नैरो, लीनियर, रिबन लाइक होंगी या स्केल लाइक हो सकती हैं। रेजिन कैनाल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। पिथ जो होती है वो नैरो होती है। कॉर्टेक्स जो है वो भी नैरो होगी इसमें। वुड जो है वो कॉम्पैक्ट है एंड पिक्नोजाइलिक टाइप ऑफ वुड है। कॉम्पैक्ट एंड पिक्नोजाइलिक का मतलब क्या है कि जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो कम है, जिसकी वजह से जाइलम ट्रेकीड्स ज्यादा हैं, वो ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ जाइलम ट्रेकीड्स हैं और उस वजह से वो वुड कॉम्पैक्ट हो जाती है जाइलम ट्रेकीड्स की वजह से। फिर है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वो हार्ड वुडी कोन होते हैं, प्रॉपर कोन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। पॉली एम्ब्रियोनी एंड पॉलीकॉटिलेडनस कंडीशन जो है वो इसमें कॉमन होती है। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब मल्टीपल एम्ब्रियोज बनते हैं। जो साइकस था उसमें जो पॉली एम्ब्रियोनी थी वो थी बिकॉज ऑफ मोर देन वन फर्टिलाइजेशन, मोर देन वन और टू फर्टिलाइजेशन। जैसे कि एक ओव्यूल है उसके अंदर एग्स हैं, तो अगर दो या तीन एग्स हैं तो वो दो तीन एग्स एक सारे के सारे फर्टिलाइज हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी है वो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी है, जिसमें एक एम्ब्रियो बनेगा, वही फंक्शनल होगा लेकिन वो फर्दर सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, तो उसको कहेंगे क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। और पॉलीकॉटिलेडनस कंडीशन है, मल्टीपल कॉटिलेडन्स बनते हैं। यूजुअली क्या होता है, एक होता है या दो कॉटिलेडन्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलीकॉटिलेडनस कंडीशन है। फिर बात करें ऑर्डर्स की, चार ऑर्डर्स हैं जिसमें से कॉर्डेटेल्स एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसका कोई भी मेंबर लिविंग प्रेजेंट नहीं है, सब फॉसिल्स हैं। फिर कॉनिफरेल्स है जिसके एग्जाम्पल हैं पाइनस, एबीज, जूनीपेरस, ऑरिकेरिया, और फिर है टेक्सेल्स जिसका एग्जाम्पल है टेक्सिस वैलिशियाना, और उसके बाद है गिंकोएल्स जिसका एग्जाम्पल है गिंको बायलोबा। यहाँ पर जो लेफ्ट पे पिक्चर है, पॉट में जो प्लांट लगा हुआ वो छोटा पाइनस का ट्री है, सेंटर में एबीज है और राइट साइड में जो प्लांट है वो है जूनीपेरस, और नीचे जो बड़ा सेक्शन दिख रहा है वो ऑरकेरिया का है। ऑरकेरिया यूजुअली यहाँ पर कॉमनली मिलता भी है और ऑर्नामेंटल पर्पस पे यूज होता है। ये चार पांच जो नाम बताए हैं ये एक बार चेक करके देखना। ये है टेक्सिस वालिशियाना, टेक्सिस टेक्सेल्स जो ऑर्डर था उसका एग्जाम्पल है टेक्सिस वालिशियाना, और ये है गिंको बायलोबा। ये जो चाइना रीजन है, चाइना और इंडिया, हिमालयन रीजन में जो चाइनीज पोर्शन है और इंडियन पोर्शन है, उन रीजन्स में ये मिलता है और कहीं ये नहीं मिलता है। और जो फर्स्ट पिक्चर है वो है जब इस पे लीव्स ग्रीन होते हैं और स्प्रिंग होती है तब का है, और जो सेकेंड पिक्चर है वो धीरे धीरे जैसे जैसे विंटर्स आना शुरू होता है, ऑटम आती है, तो धीरे धीरे येलोइश कलर होना शुरू होता है, फिर गोल्डन कलर शुरू होना होता है और बाद में इसके लीव्स जो है वो शेड हो जाते हैं। ये है वेलविस्चिया। वेलविस्चिया जो होता है उसका स्टेम, एक तो पहली बात ये डेजर्ट एरिया में मिलता है, ये एक एक्सेप्शनल एक तरह से कह सकते हैं। ज़्यादातर जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो डेजर्ट
टेम्परेट कोल्डर कंडीशंस में मिलते हैं, ये डेजर्ट कंडीशन में मिलता है, हॉट डेजर्ट कंडीशंस में, और साउथ अफ्रीका में इसको सबसे पहले पाया गया था। ये साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही ये मिलता है। इसका स्टेम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका होता है, स्टेम में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्टेम का ही एक तरह से थोड़ा सा पोर्शन है जो बाहर निकला हुआ है, और इससे फिर साइड्स में जैसे देख रहे हो ना, रिबन के जैसे लीव्स निकल रहे हैं, इस तरह से दो लीव्स होते हैं, ये कटे हुए हैं, दो लीव्स हैं, एक ऑपोजिटली निकलते हैं ये दो लीव्स, जैसे नीचे वाले में देख सकते हैं, जिसमें राइट कॉर्नर पे जो पिक्चर है, दो लीव्स हैं, जैसे बुक ओपन होती है इस तरह से दो लीव्स हैं, और वो सब कटे हुए हैं, सेक्शंस में कटे हुए, लंबे लंबे, और लीव कैसा है, रिबन लाइक, वेनेशन इसमें पैरेलल टाइप की होगी। और जो ये पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स और ये ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये हैं इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल कोन्स। तो इस ये प्लांट इसी तरह से रहता है, और जैसे जैसे ओल्डर पोर्शन होता जाता है, देख सकते हो जैसे जला हुआ हो इस तरह से लग रहा है, रिबन के जो लीव्स हैं ड्राई हो चुके हैं और ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं, इस तरह से ये प्लांट होता है, और अफ्रीकन रीजन है जो है वहाँ पर ही मिलता है। अब बात करते हैं पाइनेस की, उसकी जनरल स्टडी, उसके जनरल फीचर्स। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पिलगर एंड मेलकॉयर सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो 1954 में मिला था, जिम्नोस्पर्म एक अलग ग्रुप है, उसमें क्लास है कॉनिफेरॉप्सिडा, उसका ऑर्डर कॉनिफेरेल्स, उसकी फैमिली पाइनेसी, और उसका जेनस पाइनेस है। ये है इसकी क्लासिफिकेशन। इसका ओरिजिन मीजोजोइक एरा में हुआ, लेट जुरासिक से अर्ली क्रिटेशियस पीरियड में। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिटी की बात करें तो हायर एल्टीट्यूड्स पे, यानी माउंटेन्स या हिल्स, इस तरह की जगह पर मिलेगा। कूलर कंडीशन होनी चाहिए, कूल टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेट रीजन्स में ये ज़्यादातर मिलता है, जैसे हिमालयन रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उस तरह की जगहों पर ये ज़्यादा मिलता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जनरल बात है। और पूरे वर्ल्ड में मोर देन 100 स्पीशीज प्रेजेंट हैं पाइनेस की। जो पुराना डाटा है उसमें 50 कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब जो नए नया स्टडी हुई है, नए जैसे अपडेट होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मोर देन 100 स्पीशीज ऑफ पाइनेस आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया में जो कुछ मेजर पाइनेस स्पीशीज हैं वो है पाइनेस रॉक्सबर्गी, पाइनेस वैलिशियाना, पाइनेस कैसिया, पाइनेस जेरार्डियाना, पाइनेस नाइग्रा, और नीचे जो मैप दिख रहा है ये वो रीजन्स हैं जो इंडिया में जहाँ पर पाइनेस मिलता है, जम्मू कश्मीर है, और थोड़ा सा लेह लद्दाख वाला जो रीजन है, तिब्बतन प्लेटू जो कह सकते हैं, उस तरफ मिलता है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, और वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग का एरिया, और अरुणाचल प्रदेश, असम, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, मणिपुर साइड में, और मेघालय, मिजोरम साइड में, और नीचे साउथ की तरफ एक तो ऊटी जो तमिलनाडु में है, वो हिल स्टेशन हिली एरिया है, वहाँ पर मिलते हैं पाइनेस, बहुत पाइनेस के बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, और अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर भी एक तो पाइनेस की स्पीशीज मिली हैं। फिर बात करते हैं जनरल फीचर्स की, पाइनेस की जनरल फीचर्स क्या हैं। ये जो बॉक्स में पिक्चर है ये पाइनेस रॉक्सबर्गी है, वुडी प्लांट होता है, पेरिनियल है, एवरग्रीन है, ब्रांच्ड ट्री होगा, टॉल ट्री होता है, और हाइट स्पीशीज से स्पीशीज वेरी करती है, कुछ स्पीशीज 3 मीटर तक की होती हैं, कुछ 15 से 20 मीटर की होती हैं, और कुछ 30 से 45 मीटर्स। ये प्योर फॉरेस्ट भी बना सकते हैं या मिक्स्ड फॉरेस्ट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। प्योर फॉरेस्ट मतलब सिर्फ एक ही टाइप का प्लांट होगा, वो सारे के सारा पूरा फॉरेस्ट एक टाइप के प्लांट से बनता है, मतलब डोमिनेंट प्लांट से बनता है। और मिक्स्ड का मतलब होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो मिलकर एक फॉरेस्ट बना रहे हैं। मेनली टेम्परेट कूलर कंडीशंस में ग्रो करता है। और एक और फीचर है वो ये है कि जहाँ पर पानी कम होता है, बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग वाटर होगा, तो वहाँ पर ये ग्रो नहीं करता। तो इसको कूलर कंडीशन चाहिए और पानी कम चाहिए। तो क्या यहाँ पर कम पानी जब जहाँ पर होता है तो वहाँ पर जीरो फाइट कंडीशंस भी आ जाती हैं। जीरो फाइट का मतलब सिर्फ डेजर्ट नहीं होता, जीरो फाइट
पानी जहां पर कम होता है उसको भी सिग्निफाई करता है। तो इसमें जीरोफिटिक फीचर्स भी हैं, जैसे थिक क्यूटिकल, संकन स्ट्रोमेटा, लीफ का साइज रिड्यूस होना, इस तरह के फीचर्स। दो टाइप की रूट्स होंगी, नॉर्मल रूट्स या फिर दे आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग रूट्स, ड्वार्फ रूट्स ऑल्सो नोन एज माइकोराइजल रूट्स। दो टाइप्स की ब्रांचिंग होंगी, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। डायमॉर्फिक लीव्स होंगे, स्केल लीव्स एंड फॉलिएज लीव्स। स्केल लीव्स जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, छोटे होते हैं, और फॉलिएज लीव्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होंगे और मेन फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर तो है रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम होगा। साइकस में था स्टार्टिंग में टैप रूट, लेकिन आगे चलकर जो प्राइमरी रूट थी वो स्लो ग्रोथ करती है और कुछ टाइम बाद ग्रो करना बंद कर देती है, तो लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं बड़ी बड़ी वो टेक ओवर कर लेती हैं और फाइब्रस रूट सिस्टम बन जाता है। लेकिन पाइनस में टैप रूट सिस्टम होगा। दो तरह की रूट्स हैं, लॉन्ग रूट या और दूसरी है ड्वार्फ रूट। लॉन्ग रूट देख सकते हो यहाँ पर डीप जाती हैं, ठीक है, और मेन फंक्शन उनका वाटर एब्जॉर्प्शन का होता है और एंकरेज का होता है, एंकर करना प्लांट को, जोड़ के रखना। और ड्वार्फ रूट है उसका मेन फंक्शन, वो एक तो पहले सॉइल का सरफेस होता है, डीप नहीं होती, सॉइल का सरफेस होता है वहीं पर मिलती हैं ऊपर की तरफ, नीचे ज़्यादा डीप नहीं जाती है, छोटी होती हैं साइज में और लॉन्ग रूट्स के ऊपर बनती हैं। ये डायग्राम में भी देख सकते हो, ड्वार्फ रूट्स जो है अलग से मार्क की हुई है, सिर्फ ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं है। और इनकी क्या खास खासियत है कि ये फंजाई के साथ एसोसिएशन में है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, और फंजाई इन रूट्स माइकोराइजल या ड्वार्फ रूट के चारों तरफ माइसीलिया बनाएगी, एक हार्टिक नेट बनाएगी। एक्टोमाइकोराइजल फंजाई होती है यहाँ पर, तो वो नेट बनाती है, कवर करती है, और पाइनस की रूट फंजाई को हेल्प करती है न्यूट्रिशन देने में, फूड प्रोवाइड करने में, उधर से फंजाई पाइनस को हेल्प करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, मेनली फॉस्फोरस जो होता है वो प्रोवाइड करता है फंजाई। स्टेम की बात की जाए तो दो तरह की स्टेम है, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इसके बारे में डिटेल में, बहुत डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा जिसमें मॉर्फोलॉजी है उसमें पढ़ेंगे। बाकी बेसिकली यही है, लंबी ब्रांचेज हैं जैसे देख सकते हो पिक्चर में भी, लॉन्ग ब्रांचेज होंगी वो तो कहलाएंगी ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, उनमें एपिकल बड प्रेजेंट होता है। और दूसरी है ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, वो इन लॉन्ग ब्रांचेज के ऊपर बनती हैं और उनमें एपिकल बड नहीं होता। ये स्टेम है ओल्डर, सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसमें, तो स्टेम है ये ओल्डर स्टेम है। और इसमें देख सकते हो दो तरह के लीव्स हैं, पहली बात तो ये जैसे बताया था स्केल लीफ एंड फॉलिएज लीफ। स्केल लीफ पूरे प्लांट के शूट पर प्रेजेंट होते हैं, स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रांचेस हो या स्टेम हो, मेन ट्रंक हो, उस पर कवर करके रखते हैं। जैसे साइकस में था पूरा का पूरा ट्रंक जो है स्केल लीव से कवर्ड था, ऐसे ही पाइनस में भी पूरी स्टेम स्केल लीव से कवर्ड रहती है। जब स्केल लीव्स गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं, तब विक स्कार छोड़ते हैं। तो इसकी जो ओल्डर स्टेम होगी वहाँ पर एक पैटर्न सा दिखाई देगा, इस तरह से अलग अलग ब्लॉक्स दिखाई देंगे, तो वो एक्चुअल में क्या है, स्कार्स ऑफ स्केल लीव्स। ठीक है, यहाँ पर पहले स्केल लीव्स थे जब ये प्लांट यंग था। अब बात आती है लीफ की, और उससे पहले एक बार ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ को देख लो। लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है एक बंच सा दिख रहा है, वो क्या है, एक ब्राउन कलर की लॉन्ग सी स्टेम है, वो है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। उसके ऊपर बहुत सारे स्केल लीव्स कवर करके दिख रहे हैं, मार्क भी कर रखा है। उन स्केल लीव्स के एक्सिल में बनते हैं ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसको हम ड्वार्फ शूट भी कहते हैं। ठीक है, तो एक तो है मेन ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, वो पूरी कवर्ड है स्केल लीव से, और उन स्केल लीव्स के एक्सिस में बनती है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, या फिर उसको कहा जा सकता है ड्वार्फ शूट। ठीक है, अब राइट साइड में जो पिक्चर है वहां पर एक ड्वार्फ शूट का
मेंशन की हुई है, एक्सप्लेन की हुई है. सबसे पहले स्केल लीफ है, स्केल लीफ के का जो एक्सिल था वहाँ से ये स्ट्रक्चर निकलेगा, और ड्वार्फ शूट जो है वो ग्रीन लीफ जो है वो बियर करता है. जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच है उसमें ग्रीन लीफ डायरेक्टली नहीं ग्रो करते, उसमें सिर्फ स्केल लीफ ग्रो करते हैं डायरेक्टली. ड्वार्फ शूट या ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो है उस पर ग्रीन कलर के लीफ बनते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो स्केल लीफ है सबसे नीचे, उसके बाद दो ऑपोजिट प्रोफिल्स होते हैं, ठीक है. प्रोफिल्स के बाद नेक्स्ट उसके अंदर कैटाफिल्स होते हैं, पेयर में होते हैं, और 6 से 8 कैटाफिल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ये भी वाइटिश कलर के होंगे, मेम्ब्रेन जैसे पतले से शीथ लाइक होंगे, ठीक है. और इनके अंदर से निकलता है फिर फॉलिएज लीफ. लीफ जो होता है फॉलिएज लीफ वो ग्रीन कलर का होगा, निडल लाइक होगा. इसमें देख सकते हैं 3 नीडल्स, ऐसे लग रहे हैं 3 नीडल्स हैं. तो ये निडल लाइक स्ट्रक्चर होगा और ग्रीन कलर का होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा. अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद करने का है, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ निडल्स होंगे. किसी में 1 नीडल हो सकता है, किसी में 2 नीडल्स हो सकते हैं, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 6, ठीक है. अब ये वो चीज देखो कि कैटाफिल्स एंड प्रोफिल्स एंड दीज निडल्स दे मेक अ स्पर, ठीक है. स्केल लीफ के अलावा, स्केल लीफ को हटा के जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाएगा स्पर, ठीक है. ये चीज भी ध्यान रखना. तो ड्वार्फ शूट क्या है, स्केल लीव्स, और उसमें उसके एक्सिल में बना हुआ ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. और स्पर क्या है, स्पर सिर्फ ग्रीन कलर का जो लीफ है वो स्ट्रक्चर होगा, और उसके साथ कैटाफिल्स एंड प्रोफिल्स. अब बात करते हैं उसकी बाकी फीचर्स के बारे में, कुछ कॉमन फीचर्स स्पाइनस की. जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगे. पिक्नोजाइलिक वुड है वो पहले ही बता दिया है, मतलब जाइलम ट्रेकीट्स ज़्यादा होंगे, जाइलम पैरेन्काइमा कम होंगे. मोनोशियस ट्री होगा, यानी एक ही ट्री के ऊपर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कोन होंगे, हार्ड होंगे, वुडी होंगे, और यूनिसेक्सुअल होंगे. यूनिसेक्सुअल का मतलब एक जो कोन है उसमें या तो फीमेल स्ट्रक्चर होगा या मेल स्ट्रक्चर होगा. तो यानी मेल कोन अलग है, फीमेल कोन अलग है. यहाँ पर देखो एक बार पिक्चर में, लेफ्ट में एक तो बी पिक्चर है, उसमें जो कोन दिख रहे हैं वो मेल कोन्स हैं, और जो सी है, सी पिक्चर, उसमें फीमेल कोन्स हैं. उसके बाद बात आती है विंग्ड पोलन्स की. पोलन्स जो होते हैं इसके वो विंग्ड होते हैं. ए पिक्चर में देखो बीच में पर्पल, डार्क पर्पल कलर का, डार्क ब्लूइश पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है, वो मेन पोलन है. और उसके दो तरफ ऑपोजिटली दो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हर पोलन के साथ. वो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक्चुअल में क्या है, सैक है, ठीक है. और वो किससे बनते हैं, पोलन की लेयर बाहर की तरफ एक्सटेंड होती है. पोलन में कितनी लेयर्स होती हैं, एक्साइन, मेसाइन, इंटाइन. तो जो ये बाहर की तरफ लेयर निकल के आती है वो होती है मेसाइन. मेसाइन जो है बाहर की तरफ एक्सटेंड होती है और बलून या सैक लाइक दो स्ट्रक्चर बनाती है. वो बलून्स एक्ट करते हैं एज विंग, इसलिए कहते हैं इनको विंग्ड पोलन्स. पॉलिनेशन विंड पॉलिनेशन होगी. और जब पोलन्स रिलीज होते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि पोलन्स का कलर एक्चुअल में जो नेचुरल कलर है वो येलो कलर का होता है, तो जब पोलन्स रिलीज होते हैं जैसे बी फिगर में देखो, बी पिक्चर में, तो ऐसा लगता है सल्फर का पाउडर किसी ने स्प्रेड कर दिया, फैला दिया. तो इसलिए इसको सल्फर शावर भी कहते हैं, क्योंकि सल्फर का कलर येलो कलर का होता है. सल्फर भी येलो कलर का है और इसके पोलन्स भी येलो कलर के स्मॉल होते हैं, तो ऐसा लगता है सल्फर शावर है. पॉलीकॉटिलिनस कंडीशन है, पॉलीएम्ब्रियोनस एम्ब्रियोनी है वो भी है यहाँ पर. विंड सीड्स होंगे, सीड भी इसके विंड होते हैं. डी पिक्चर में देखो जो ब्लैक कलर का स्पॉट है वो सीड है, और जो ग्रेइश या ब्राउनिश कलर का एक्सटेंशन है वो विंग है.
एपीजियल टाइप की जर्मिनेशन होगी, रेजिन्स बनाएंगे, वुड जो है इसकी वो अच्छा सोर्स ऑफ टिम्बर है, निडल्स ड्राई होने पर इजीली फायर कैच कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको अब जहाँ इनको लगाया जा रहा है ज़्यादातर जैसे हिमालयन रीजन में माउंटेन्स को बचाने के लिए बहुत सारे पाइनस के प्लांट्स लगा दिए गए, जो कि बाद में पता चल रहा है कि वो ठीक नहीं था वहाँ पर, सब जगह माउंटेन्स पर पाइनस लगाना ठीक नहीं था, क्योंकि वो एक तो वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं था सारी जगह, कुछ जगह तो है लेकिन सब जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर माउंटेन खाली हो रहे थे, माउंटेन कवर कम हो रहा था ग्रीन कवर, तो पाइनस वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स की तरफ से लगाए गए, लेकिन बाद में पता चला ये चीज़ सामने आई कि पाइनस की नीडल्स जो होती हैं वो फायर कैच कर लेती हैं इजीली और कई बार फॉरेस्ट फायर को बढ़ाने में वो हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर कंट्रोल करना ह्यूमंस के लिए मुश्किल हो जाता है। बर्निंग जो वुड होती है इसकी वो एक फ्रेग्रेंस देती है जब इसकी वुड बर्न करती है, क्योंकि इसके अंदर एक तो रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। रेजिन का फंक्शन क्या होता है, एक तो इंसेक्टिसाइडल है, ये वुड को प्लांट को पाइनस को ट्री को प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट या फंगल इन्फेक्शन से, तो और दूसरा इसमें टर्पेंटीन इस तरह के अलग अलग सब्सटेंस जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिनको कहते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं, स्टोर होकर रहते हैं, तो जब वो बर्न होती है वो तो उन कंपाउंड्स की वजह से इसमें एक फ्रेग्रेंस आती है। तो यहाँ तक जो था ये पाइनस की जनरल फीचर्स थी, जनरल इंट्रोडक्शन है पाइनस का। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो पर्टिकुलर पाइनस की मॉर्फोलॉजी के ऊपर होगा, जो उसकी मॉर्फोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो ग्रुप में पूछ सकते हो।